अस्सलाम वालेकुम, इमान किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन के कोफ्ते। मैं आपको बताऊंगी चिकन के कोफ्ते कैसे बनते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बताऊंगी, आसान तरीका होगा। सबसे पहले मैंने बोनेस ले लिया है, इसमें हड्डी कोई नहीं है, ये सारा बोनेस है। आधा हाफ के जी मैंने बोनेस ले लिया है। दो प्याज ले लिए हैं दरमियानी साइज के। लहसुन ले लिया है, 6 अदद सब्ज मिर्च ले लिए। इन सबको हम अभी चॉपर में डालेंगे। प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। वन टीस्पून हमने डाल दिया रेड चिली पाउडर। वन टीस्पून मैंने डाल दी है धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ। हाफ टी स्पून डाल दिए अदरक पाउडर। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, वन टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिए। आप हंस भी जैके डाल सकते हैं। ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे बन चुके हैं। अब हम इससे इनके कोफ्ते बनाएंगे। ग्राइंडर हो चुका है, अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेके, ये देखिए मैं आपको कोफ्ता बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ये कोफ्ते हमारे बन रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे मैं रेडी करूंगी। ये देखें, हमने कोफ्ते ये बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। आगे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आइए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें जी, हमने कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन कर दी। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल डालेंगे हम 1 कप। ज्यादा जरा इसलिए डाल रही हैं कि इनको हमने करना है फ्राई। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे कोफ्ते, इसको करेंगे पहले फ्राई। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ढक्कन उतार के हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। कोफ्ते की एक साइड पक गई है तो दूसरी साइड इसको चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड पे लगा लेंगे ताकि दोनों साइडें पक जाए इजीली। ये देखें, एक ही दफा में सारे फ्राई हो जाएंगे। अगर हम फ्राई पैन में फ्राई करते तो हमें थोड़े थोड़े करके फ्राई करने पड़ते, इस तरह सारे एक साथ फ्राई हो जाएंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा। ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये हमने सारे निकाल लिए कोफ्ते। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे,
दो अदर प्याज ली है दरमियानी साइज की, उनको काट लिया। अब इनको प्याज को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, फिर इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ऐसे ही आपने ब्राउन कर लेने हैं। ये देखें हमने प्याज निकाल ली है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हमने टमाटो लिए थे, टमाटो को हमने ग्राइंड कर लिया था। ये इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने पीस लिया, 1 टीस्पून हमने लहसुन शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज जिसको हमने ब्राउन करके निकाल लिया था, अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड किया हुआ प्याज इसमें शामिल करेंगे। ट्वेंटी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हम अदरक पाउडर डाले, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। मसाला हमारा तैयार रेडी होने वाला है, इसमें फिर हम पानी ऐड करेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इस पे डालेंगे कोफ्ते। दो मिनट के लिए भुनेंगे, फिर हम पानी ऐड कर देंगे। एक हम इसमें चिकन तंदूर भी डाल देंगे, 1 क्यूब्स हमने डाल दिया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें सवा मिर्च ऐड कर देंगे। पहले हमने इसमें पीस 4 मैंने साबित सब्ज मिर्च डाल दी। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें अब सालन हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। बहुत मजे की बनी है, आप भी जरूर ट्राई किया करें। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारे कोफ्ते पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। वहाँ कितने शानदार कोफ्ते बने हैं माशाल्लाह, ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की शान है। अल्लाह हाफिज़।